तो क्या फायदा ऐसी चोरी करने का? जिसने कैलाश को उठाया था अपने हाथ में, कैलाश के सामने गिरिराज गोवर्धन तो बहुत छोटा पड़ता है, इसने पूरा कैलाश उठाया। जटाट विकलच्छल प्रवाह पावि तत्सल गले यलंब लंबिता भुजंग तुंग मालिता रगत रगत रावण कृत शिव तांडव, इसकी व्याख्या मैंने हरिद्वार में करी थी। इतना शक्तिशाली होते हुए भी भगवती सीता का जब वो अपहरण करने जा रहा है तो शब्द लिखा गया, इमि कुपंत पग देत खगेशा सो दस शीश स्वान की नाई। स्वान माने कुत्ता, चोरी करने गलत काम करने जा रहा है तो कुत्ते की तरह डर रहा है। इस मार्ग पर चलने वाला वीर मृत्यु भय से ऊपर उठा हुआ है, उसी को ही सिद्धि मिले। और वही आदरणीय, वही समाज में एक आदर्श बनता है। आपने कभी शायद नाम नहीं सुना होगा, एक जमैका देश अमेरिकी बाजू में, वेस्ट इंडीज बोलते हैं उसको, जमैका बोलते हैं। इसमें एक कुछ पिछले सदी में एक गायक था जिसका नाम था बॉब मार्ली। कभी नाम जवान आपके घर में छोकरे होंगे ना, उसको पता है। बहुत अच्छा उसने संगीत दिया और एक नई पद्धति थी, जिस पद्धति आज भी है, जिस पद्धति को कहते हैं रेगे, एक किस्म की एक संगीत है, और उसके प्रवर्तक वही था बॉब मार्ली। जितना पाश्चात्य देशों में बहुत मशहूर, आज भी उसका गीत मैं भी कभी कभी सुनता हूँ, अच्छी अच्छी गीत उसने गाए। असल में समाज में जो घटनाएं घट रही थी, शोषण जो प्रजा का होता था, अन्याय जो होता था, भेदभाव जो होता था, व्यक्ति व्यक्ति के बीच में आपस में लड़ाई, जो ये शब्द सारे उसने अपने गीतों में लिखा और वो गाता था। मतलब भाई डर जो है मौत का, इस आदमी ने मृत्यु का भय जीत लिया था। बड़ा सुंदर गाता था वो, इनकी आवाज नासिका में से जो आवाज निकलती है ना, गले और नासिका से, इनके लिए एक शब्द है, आज मेरे को याद नहीं आ रहा है। ये जो गायक ऐसे इस प्रकार के होते, उसकी ये गला और नासिका, इनमें से आवाज, वो स्वर्गस्थ ये मुकेश जी जो गए थे ना, उसकी आवाज ऐसी थी, गला और नाक दोनों मिलकर आवाज निकलती थी। ये बॉब मार्ली की भी आवाज ऐसी थी। बड़ी एक सुंदर गीत, मैं भी सुनता था, अभी भी सुनता हूँ कभी कभी। हाँ, आई वांट टू लव यू डे एंड नाइट, मेरे को तुझसे प्यार करना है, मोहब्बत करना है, रात दिन मैं तेरे को करूंगा। अब वो क्या अर्थ में गा रहा था वो तो वही जाने, बाकी उन्होंने एक 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 पूरा एक कल्चर खड़ा किया था, प्रेम का, मोहब्बत का, भाईचारा का। समय समय पर ऐसे लोग आते हैं, कोई भी रूप हो उनका, कोई भी रंग हो सकता है। भक्त बीज पलटे नहीं जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कुल अवतरे आखिर संत हो संत। तो कहीं भी जन्म लेता है, कहीं भी कुल में जन्म लेता है, कोई भी रंग में लेगा वो, आखिर संत ही संत। वीर मृत्यु इसी के बाद विशोक माने पश्चाताप करना, रोना धोना, अतीत में जीना। मेरे भाई बहन, मैं मानता हूं, इसलिए आपको कह रहा हूं, रोना जरूर, बाकी पैसे के लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, पति पत्नी के लिए नहीं, पुत्र के लिए नहीं, रोना है तो परमात्मा के लिए रो। तुम्हारे आंसू बहुत कीमती है, वो इधर उधर उसको बिखराओ मत, ये मोती है।
परमात्मा इसका मूल्य जानते हैं, उनके लिए तुम रोओगे परमात्मा तुम्हारे लिए रोएगा। और ये दुनिया तो तब तक आपके लिए रोएगी भला, कब तक रोएगी? जब तक इसमें प्राण है, इसी के बाद तो किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर तो भूत बन गए, जाओ रोना, बाकी परमात्मा के लिए रो। टूट जाए, फूट जाए, नष्ट हो जाए, जल जाए, चोरी हो जाए, शोक मत करना, रोना मत। यदि शोक ही करना है तो वो शोक करो कि परमात्मा ने मेरे को सुंदर उम्र दी थी, बाकी 50 साल तक मैंने उनको याद नहीं किया। मैं 5 माला कर सकता था, बाकी मैंने 2 माला ही करी। अपने आप के ऊपर होना चाहिए, ग्लानिर करनी है तो अपने ऊपर करो। जवानी थी, जवानी में मैं लोगों की सेवा कर सकता था, मैंने क्यों सेवा न की? अभी बुढ़ापा आया, अब मैं कर नहीं पा सकता। जब समय होता है ना, तब समझ नहीं होती, और जब समझ आती है तब समय नहीं रहता महाराज। जवानी में मैं कर सकता था, मैं सेवा करनी, मैंने सेवा का अर्थ केवल लड्डू गोपाल नहीं हो। भगवान वेद कहते हैं, ओम द्यौ शांतिर अंतरिक्ष गुम शांति, पृथ्वी शांति, राप शांति, औषधे शांति, वनस्पति शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा। ये शांति, शांति का मतलब यही है, धरती, आकाश, वनस्पति, जल, इसको प्रदूषित न करो। ये गंदगी न करो, ये सबसे बड़ी पूजा है। तुम गिरे हुए को उठा तो न सके, कोई बात नहीं, धक्का तो मत मारो। तुम 10 रुपये की दान नहीं दे सके, बाकी 10 रुपये की चोरी तो न करो। झाड़ू लेकर तुम सड़क को साफ तो नहीं करते, गंदगी तो न करो। इससे बड़ी पूजा क्या हो सकती है बोला? इससे बड़ा शांति पाठ क्या है तुम्हारा? यही शांति पाठ है। अंतरिक्ष गुम शांति, इसमें ऐसी हवा, ये धुआं ऐसा न निकालो कि ये हवा प्रदूषित हो जाए। विज्ञान आज कह रही है 2024 तक, अभी क्या 2019 चल रहा है ना, हम लोग 18 चल रहा है, 19 में हम लोग को तो टाइम का कोई ठिकाना नहीं होता, यहां बैठने के बाद कोई ठिकाना ही नहीं है हमारा। 2024-25 तक ये उत्तर और दक्षिण ध्रुव जो है, जिसमें बर्फ बर्फ ही है, इतना पिघल जाएगा कि जितने शहर हर एक देश में किनारे किनारे पर समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, ये सब डूब जाएंगे, सब डूबने वाले हैं। मुंबई तो खास, ये डूबने वाला है महाराज। उसके जिम्मेवार कौन है? हम लोग ही तो है? ये धुआं, ये आग है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारा का सारा करने से ये तापमान बढ़ता जा रहा है, ऊपर के जो बर्फ है वो पिघलता जा रहे हैं, निर्गलित हो रहे हैं, और इसकी वजह से समुद्र उभर आ रहा है, और वो समुद्र अपनी सीमा को छोड़कर धरती के ऊपर शहरों को डुबा देंगे। शांति पाठ, हमारे वेद ने पहले पर्यावरण की चर्चा करी, ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गुम शांति, पृथ्वी ही शांति, आप माने पानी, औषध वनस्पति, बिना कारण उसका छेदन न करो। आप जहां बैठे हो उसका नाम क्या है? आप इस जिस क्षेत्र में हो इसका क्या नाम है? अरण्य आया ना, अरण्य का एक अर्थ होता है जंगल, यहां तो कोई जंगल है ही नहीं है। जंगल होता तो शेर होता, चीता होता, बंदर होते, खरगोश होते, हिरण होते, ये तो कोई नजर नहीं आ रहे महाराज, सारा वृक्ष को काट दिया। इसीलिए कभी कभी मैं चिंतन करता हूं, इस धरती के ऊपर वैसे होगा नहीं, कल कौन सा दिन है भाई? गुरुवार है। अच्छा, कल गुरुवार है, ये वो कोई माई पूछ रही, तो आप इतने बेखबर हो क्या?
हाँ भाई, हमको इसकी खबर लेकर क्या करना है, क्या करना है भाई, कौन सा दिन है? हमारे लिए तो सभी मुहूर्त एक बराबर है। अभी क्या बोला था, यस्मिन कस्मिन दिने, कल गुरुवार को 12 बजे इस धरती के ऊपर अचानक ऐसा कोई चमत्कार हो जाए कि जानवरों को छोड़ दो, पक्षियों को छोड़ दो, पेड़ पौधे को छोड़ दो, धरती में जो पर्वत हैं वैसे ही वैसे रहे, चांद सितारे वैसे रहे, नदियां वैसे रहे, मछलियां वैसे रहे, सिर्फ मनुष्य जाति को अदृश्य कर दो, हटा दो इस धरती, सिर्फ मानवों को इस धरती पर हटा दो तो क्या होगा। कल 12 बजे गुरुवार को ऐसा हो जाए कि एक बंदा भी यहां न रहे, अचानक सब गायब, तो क्या होगा यहां? एक चीज होगी खास, असत्य का नाश हो जाएगा, क्योंकि झूठ केवल मानव बोलता है। गाय झूठ नहीं बोलती, बिल्ली झूठ नहीं बोलती, मछलियां चिड़ियां झूठ नहीं बोलते हैं। और असत्य का यदि नाश हो जाए और सत्य का साम्राज्य हो जाए तो इसी को ही तो सत्ययुग कहते हैं हमारे। और सत्ययुग क्या होता है, व्हाट इज सत्ययुग? नाश हो गया असत्य का तो सत्य ही आ गए हो ना, तो फिर सुख और शांति, सब राजी राजी, ये जानवर सब खुशी हो जाएंगे महाराज। गलत काम तो ये लिखे पढ़े लोग ही ज्यादा करते हैं, मनुष्य को हटा दो तो नाश हो जाएगा, असत्य का नाश। बाकी यहां तो शब्द आया है विशोक, कुछ भी हो जाए शोक न करे, चिंता न करे, अजहित सह। अब देखो इसके ऊपर हमारे व्याकरणाचार्यों ने इस शब्द के ऊपर व्याकरण की खूब कसरत करी है मेरे साथ, और देखो ये अपना जो भी अर्थ करे, मैं मेरा अर्थ कर, अजहित सो का अर्थ होता है कि वो त्यागे ना, वो त्यागेगा नहीं, नॉट फॉर सेकन, छोड़ेगा नहीं। तुम उनके मार्ग पर चलो तो वो परमात्मा तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम चिंता मत करो, कोई भी हालत में तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अजहित सह, गुप्त तरह से एक हाथ परमात्मा का आधार आपको हर समय देता ही रहेगा। ये अरब देश में जो भाषा है ना उसको अरबिक कही जाती है, बराबर ना, उसको अरबिक कहते हैं। और अरबिक जो भाषा है उससे पहले उस इलाके में एक भाषा थी जिसका नाम था अरामिक, अरामिक, और अरामिक का हो गया अरबिक। समय समय में शब्द बदलता है, जैसे संस्कृत में से हिंदी आई है ना, हमारी सारी भाषा कालांतर। तो मूल भाषा है अरामिक, जो 2000 साल पहले उसी इलाके में बोली जाती थी। और एक मशहूर संत, जब उसको क्रॉस पर लटकाया गया यीशु को, तो यीशु के अंतिम शब्द ये अजहित सह था, अजहित सह, और वो आरामिक में बोला था, ओलाई ओलाई लामा सा बख्तानी। ये भाषा आज शायद दुनिया में कदाच होगा दो चार आदमी जो बोलते हैं, है? अब हमें मत पूछो आपको कैसे पता। क्रॉस पे लटका हुआ यीशु बोलता है, ओलाई ओलाई लामा सा बख्तानी, मतलब ये हुआ कि हे परमपिता परमात्मा, तुमने मेरे को छोड़ दिया। ये अंतिम शब्द यीशु का था, हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा, तुमने मेरे को अंतिम समय में मेरे को त्याग दिया। मृत्यु तो अवश्य भावी है, ये क्रॉस लटकना तो एक बहाना था, तुम उसको कभी छोड़ो मत। हमारे देश में भी एक आदमी हो गया जिसका आपने कल जन्मदिन शायद मनाया था ना, पूरी देश बंद था, है? उसने भी परम तत्व को त्याग कर अन्याश्रय किया। वैदिक सनातन धर्म के शास्त्रों का प्रदूषणकारी किया इस आदमी ने। मैं आप सब जानते मोहनदास करमचंद गांधी, हमारे शास्त्रों को प्रदूषित किया इस आदमी ने। और मैं बताता हूं, आओ मेरे साथ गाओ,
जो असली करण जो है, असल में एक ग्रंथ है जिसका नाम है नाम रामायण। इस शास्त्र लिखा था श्री लक्ष्मणाचार्य ने, और श्री लक्ष्मणाचार्य ने जो नाम रामायण लिखी इसी में ये आता है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सब गाइए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ओ रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सुंदर विग्रह मेघ श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम। सुंदर विग्रह मेघ श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। भद्रगिरीश्वर सीताराम, भक्त जन प्रिय सीताराम। भद्रगिरीश्वर सीताराम, भक्त जन प्रिय सीताराम। ओ रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हे जानकी रमणा सीताराम, जय जय राघव सीताराम। जानकी रमणा सीताराम, बेटे राघव राजा राम। ओ रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ओ पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। ये आदमी अपनी खुद की जिद के लिए हमारे शास्त्रों को इसने प्रदूषण किया है, ये अपराध है, हमारी दृष्टि में जघन्य अपराध है। ये अन्याश्रय किया इस आदमी ने, क्योंकि यहां भगवान वेद अजहित सह। तुम क्यों छोड़े उसको, तुम्हें अन्यत्र जाने की क्या, हाँ वोट बैंक के लिए। ये आजकल जो नेतागिरी जो चलती है ना, अपीसमेंट जिसको कहते हैं, मुत्सदीकरण करना, अपीसमेंट करना, वोट के लिए उसकी खुशामद करना, उसकी मांग, ये वो उसने शुरू की थी है। ये गलत है बिल्कुल। हाँ जिस आदमी में अच्छी चीज, वो अच्छी भी हम ग्रहण करते हैं, ऐसे नहीं है। बाकी जो गलती है वो गलती भी है। यू आर नॉट अलाउड। ये चार पद है, चार लाइन आती है, ये नाम रामायण अंतर्गत आता है, और इसके रचयिता श्री लक्ष्मणाचार्य है। और इस आदमी ने वो बदल दिया, क्यों, फलाने का भी वोट चाहिए, इसका भी वोट चाहिए है? जातिवाद और प्रांतवाद, ये दोनों राष्ट्र के नाशक है। आज भी हम कहते हैं, आज भी यही चल रहा है यहां, ये राष्ट्र को नाश करेगा जातिवाद और प्रांतवाद। ये अखंड भारत होना चाहिए भाई, अखंड भारत, ये तोड़फोड़ मत करो यहां। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये चारों आचार्य है। ब्राह्मण जो है वो शिक्षा का आचार्य है, क्षत्रिय जो है वो रक्षा का आचार्य है, वैश्य जो है वो पोषक का आचार्य है, और शूद्र जो है वो सेवक का आचार्य है। कोई ऊंचा नीचा नहीं है महाराज। श्रीमुख की वाणी है, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, इसके सामने मैं नहीं देखता, प्रभु का है।
ये बंटवारा इस आदमी ने शुरू किया।